हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेस्टर्न ब्लॉग में। मैं आपका शिवन शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को कृपया दबा दीजिएगा, साथ ही साथ बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे हमारे चैनल के नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो चलिए ले चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी हैं हम माधवपुर पार्क में और यहाँ का आइए बैक कैमरा से दिखाते हैं। ये पूरा नज़ारा है जो माधवपुर पार्क का है। ये बांस का पूरा बना हुआ रूम है, इस पर कपल आकर के बैठते हैं। ये सब देखिए, ये सब सीन है। ये देखिए, ये हमारे दोस्त लौरू। ये सब पार्क है। ये देखिए जंगल, यहाँ जिस जंगल में मंगल होता है, बहुत सारे कपल आते हैं, मंगल करते हैं, सुमंगल रहते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। आप भी आइए, अपने माल को लेकर के, आइटम को लेकर के एंजॉय कीजिएगा, घूमिएगा। दर्शकों, ये सब ऐसा ऐसा पार्क है जहाँ पे आइए हम दिखाते हैं अभी आपको। ये क्या लिखा हुआ है, ये है वे टू कार्बन फॉरेस्ट। कार्बन का फॉरेस्ट है जहाँ पे कार्बन का खेती होता है। अब समझ जाइए कौन कार्बन, जंगल है तो जंगल में मंगल ही होता है, हम तो ये जानते हैं। ये देखिए लौरू हमारे, ये लौरू के पास घुमा करके एक बार पूरा नज़ारा दिखा देते हैं, फिर आते हैं लौरू। क्या लौरू, ये हमारे दोस्त लौरू हैं, पूरा मुस्कान दे रहे हैं, चवंदिया मुस्कान, माल लेके आए बसरी के। बताइए, ये सब नज़ारा देख रहे हैं, आइए आप लोग भी घूमने के लिए एंजॉय कीजिए। देवघर का सबसे यूनिक पार्क है और देवघर में जस्ट देवघर से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है माधव छकाई माधवपुर पार्क। इस पार्क को देखें, एंजॉय करें, घूमें फिरें दोस्तों के साथ, मस्ती करें पूरा। आइए गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड भी लेके आइए, मज़ा कीजिए, एंजॉय कीजिए, पूरा घूमिए। ये सब जंगल है और भी बहुत सारा नज़ारा दिखाएंगे, आप बने रहिए वीडियो पे। तो ये सब देख रहे हैं, ये देखिए, ये एक मंगलम भगवान विष्णु, एक माल और एक गोंदा आ रहा है। देखिए आगे सामने से कितना गंदा माल है, हम दिखा नहीं पा रहे थे क्योंकि आदमी बोल दे कुछ, इसलिए। खैर, वीडियो पे बने रहिए और भी ये सब नज़ारा दिखाएंगे। ये सब देख रहे हैं, बैम्बू स्टीम, ये क्या है, कनक चंपा, ये आपका हो गया, आपका क्या है, ये रास्ता हो गया, ये आपका उधर जाने का पार्कुर का। यहाँ आइए घूमने के, देखिए कितना खूबसूरत सब नज़ारा है। आइए देखिए, घूमिए फिरिए, मज़ा कीजिए, एंजॉय कीजिए। बार बार हमारे लौरू दोस्त आ रहे हैं बीच में, ये गलत बात है। देखिए लौरू शायद हो गया डर के मारे। खैर भाई है अपना। और दोस्तों, अगर इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं आगे, तो इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबाइएगा और नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि उससे हमारे चैनल के जितने जितने नए नए वीडियो लॉन्च होंगे वो वीडियो आपको सब दिखेगा। देखिए ये सब बच्चे सब आए थे यहाँ पार्क में घूमने के लिए, ये सब भी देख रहे हैं। ये देखिए भवन है, यहाँ पे फिल्म का शूटिंग भी होता है। और ये देखिए कितना अच्छा सैंडी, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ सामने जा करके। ये देखिए, ये झरना है, इसमें पानी चलता है रात में और लाइट चलता है, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। हम किसी दिन नाइट का भी व्यू दिखाएंगे जा करके, थोड़ा हमारे घर से ज़्यादा दूर पड़ता है इसलिए हमको जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। खैर अब हम बैक कैमरे से आपको दिखाएंगे कि हम अपना हम कैसे इसमें सीन देख सकते हैं वीडियो के लिए। देखिए ये हम हैं और ये मैं बता रहा हूँ आप सबों को कि देखिए हम कैसे फ़ोटोशूट किया जा रहा था यहाँ। आइए तो चलिए अब दिखाते हैं, ये झाझपत्ती का एरिया है, इसमें आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। पार्क है, ये बहुत अच्छा पार्क लगा हमको, देवघर का सबसे बेहतरीन पार्क लगा। यहाँ जाइए घूमिए फिरिए, बहुत अच्छा अच्छा फूल लगाया हुआ है सीनरी, और अभी बहुत अच्छा डेवलप किया जा रहा है इसको। इसमें हमारे माननीय निष्कांत दुबे के द्वारा ये बना हुआ पार्क है, और एंजॉय करिए। चलिए आगे ले चलते हैं और आगे दिखाते हैं क्या क्या सीन है। बहुत सुंदर सर जगह दिखने में लग रहा है हमको, आप भी आइएगा और पूरा पार्क का नज़ारा लीजिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, धूम कीजिए और दोस्तों को लाइए फुल एंजॉय। ये देखिए पूल है, इस पर शूट हुआ था एक आपका पवन सिंह का फिल्म आया था सैया सुपर स्टार, उसका शूटिंग यहीं हुआ है। इस शूटिंग को देखने के लिए बहुत सारे आदमी आए थे। और ये सब देख रहे हैं, ये शूट का एरिया है जहाँ शूटिंग होता है फिल्म का। और आइए आप लोग भी कभी कभी रील्स बनाने, वीडियो बनाने के लिए ब्लॉग। ये देखिए पाम आइलैंड है, ये आइलैंड की तरफ अभी हम ले जाएंगे आपको पाम आइलैंड की तरफ, और ले चलते हैं। देखिए बने रहिए वीडियो पे, देख रहे हैं कितना अच्छा गोल्फ कोर्स की जैसा गार्डन बनाया है। ये देखिए कितना अच्छा सीनरी है, ये आप आगे तालाब है, वो तालाब का सीन मैं दिखाता हूँ जूम पे ले जा करके, और थोड़ा जूम करते हैं सामने जाते हैं। ये देखिए ये तालाब है, बहुत अच्छा तालाब लगा है, और ये बैठने का जगह एरिया,
ये सब पूरा बैठिए यहाँ पे, अपना एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों के साथ और घूमिए। आगे चलिए आगे दिखाते हैं और भी क्या क्या जगह है, नया नया जगह अच्छा तालाब है तो अच्छा अच्छा व्यू आपको नज़ारा मिलेगा। बहुत सारे फूल है, बहुत सारे जगह के नाम से बना हुआ एक जगह का एरिया है और भी बहुत चीज़ है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। बहुत बेहतरीन जगह है मेरे हिसाब से। आप सब आइए, मस्ती कीजिए, घूमिए फिरिए, पूरा एंजॉय फैमिली के साथ आइए, वाइफ को लेके आइए, गर्लफ्रेंड लेके आइए, जो कपल हैं कपल के लिए बहुत अच्छा अच्छा सुविधा दिया गया है। और ये है एक ऐसा जहाँ पे कपल बैठ के बहुत सारा फ़ोटोशूट होता है, बैठ के एंजॉय करते हैं, बात करते हैं आधा एक घंटा। चलिए सामने ले जाके दिखाते हैं, ये देखिए ये सब खूबसूरत नज़ारा है, देख रहे हैं ये पूरा व्यू यहाँ से, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। आप सब देखिए, गौर से देखिए इसको और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल के नीचे आपको नया नया वीडियो आएगा। और लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए। और जिनको भी देवघर आना है, आपसे एक बात बोल दूँ कि देवघर आने के बाद आप देवघर से 40 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से कोई भी टेम्पू तो चल जाएगा, वो आपको वहाँ पहुँचा देगा। अब 20 रुपया इसका टिकट है इस पार्क के अंदर प्रवेश करने का। और देखिए ये सब यूज में, ये हमारे दोस्त हैं यूज में, इसको यूज कीजिए आप लोग। ये सब नज़ारा है खूबसूरत, सब सीनरी दिखा रहे हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, बने रहिएगा। और चलते हैं फिर आगे दूसरी और तरफ, देख रहे हैं ये सब खूबसूरत नज़ाराएँ हैं। देखिए वहाँ से बच्चे सब चिल्लर पाती सब डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए ये सब, ये बाहर प्रवेश करने वाला सीन है। अब उधर देखिए, उधर पार्क है, मैं दिखाता हूँ सामने जा कर के। देखिए ये प्रवेश द्वार हुआ, अब हम पार्क की तरफ दिखाते हैं आपको कि जहाँ पे बच्चों बच्चों की खेलने के लिए सुविधा लगाया गया, झूला है बहुत सारा ससरने वाला है और भी बहुत कुछ है। ये देखिए चचा का बाइक है, बाइक में लग रहा है कि बाइक को लकवा मार दिया है, खैर कोई नहीं, लकवा चचा को भी मारता है। तो देखिए ये है पहाड़, इसे कहते हैं भूतघर। ये चचा भौंसरी वाले, चचा आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, बहुत बत्ता बक्षोदी पेल रहे हैं, वर्दी बताइए, सिक्योरिटी गार्ड बंद करके बक्षोदी पेल रहे हैं चचा, बताइए। खैर वो रहा पार्किंग एरिया, ये है बाहर का सीन। मैं चलिए अच्छा से आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा पार्क है, वो हमारे लौरू दोस्त, हाय ब्रो। तो ठीक है बने दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो? वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को कृपया दबा दीजिएगा, साथ ही साथ बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो जय हिंद जय भारत, इंजॉय करें, आबाद रहें, इसी तरह का नया नया ब्लॉग देते रहेंगे वीडियो पे। लव यू गाइस, बाय बाय।